डबल मर्डर का पुलिस ने करा खुलासा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के नागफनी थाना क्षेत्र में बीती 31 अक्टूबर को अज्ञात पिता पुत्री की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे और घटनास्थल का निरीक्षण किया था। पुलिस ने आज डबल मर्डर का खुलासा किया है। मामूली कहासुनी में युवाओं ने करी पिता पुत्री की हत्या। पुलिस ने दो हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। मामूली विवाद के बाद खूनी खेल को दिया था अंजाम, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुरादाबाद जनपद के नागफनी थाना क्षेत्र के रहने वाले नजरुल और उनकी पुत्री समरीन की हत्या 31 अक्टूबर को अज्ञात हत्यारों ने कर दी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस डबल मर्डर की हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी थी। हत्या को इतनी बेरहमी से अंजाम दिया गया था कि घर के चारों तरफ सिर्फ खून के ही निशान थे। जिसने भी मृतकों का शव देखा वह देखकर चौंक गया। मुरादाबाद पुलिस के लिए भी यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिस तरीके से एक ही परिवार के दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। SSP ने हत्या का खुलासा करते हुए जान बताया कि बीती 31 तारीख को इन दो युवकों ने पिता पुत्री की बड़ी बेरहमी से हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से इन लोगों को पकड़ा है और इनके पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। आरोपियों ने सिर्फ मामूली विवाद के चलते नजरुल की हत्या करने के इरादे से घर में घुसे थे और यह लोग नशे के आदि हैं। इन्होंने नजरुल को तो मौत के घाट उतार दिया और उनकी पुत्री को भी नशे की हालत में मार दिया। पुलिस ने हथियारों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और चापड़ बरामद कर लिए हैं। वारदात हुई थी जिसमें पिता और पुत्री का मर्डर किया गया था। जब पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पहले से ही लग रहा था कि पड़ोस का कोई हो सकता है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कोई बाहर जा पाए। छत से ही लोग आए थे और इसमें जो फॉरेंसिक का इस्तेमाल किया गया, जहां तक ब्लड स्टेन थे वहां तक टीम गई। बाद में इसमें सर्विलांस और अन्य माध्यम से एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, उसको पकड़ा गया, जिसका नाम मैंने उससे पूछताछ की गई तो उसने एक और व्यक्ति का नाम बताया। जब उसको पकड़ा गया तो उसने सारी घटना बताई और जो घटना में ज्वेलरी इन्होंने लिया था, जहाँ जाके बेचा था वो दुकान, CCTV फुटेज, जैसे जैसे लोग गए थे, साथ में जो मोबाइल ये वहाँ से निकाल के ले गए थे, रामगंगा नदी में फेंका था, मोबाइल बरामद हुआ। इन्होंने नए कपड़े खरीदे थे, वो कपड़े बरामद हुए और जो इनके पास वेपन था वो वेपन भी पुलिस ने रिकवर किया, जिसमें ब्लड लगा हुआ था। तो ये बेसिकली पिता को मारना चाहते थे। लॉकडाउन जब समाप्त हो रहा था उस समय मुर्गे की बिक्री को लेकर के इनका विवाद हुआ था, जिसमें लड़ाई हो गई थी और एक छोटा सा ईगो जो इशू होता है उस चक्कर में, क्योंकि ये नशे के आदि भी हैं, तो ये सारी चीज़ें बनाते हुए उन्होंने घटना को अंजाम दिया। बीच में भी इन्होंने एक बार प्लानिंग की थी और वहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने घटना को नहीं अंजाम दिया था। इस दिन इनको मुफीद लगा कि रात का समय है और त्यौहार पर सारे लोग सुबह लेट उठेंगे, इस चक्कर में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें पुलिस की सभी टीमों ने बहुत अच्छे से काम किया और घटना का अंजाम दिया गया। धन्यवाद।